हुण असी तीसरी आयत पढ़ांगे। हाँ बोलो, यसू नु कदी बाप नहीं कहना। फिर बोलो बोलो फिर बोलो, जे बाप कहिंदे हो ते इस तो वड्डा झूठ ही होर कोई नहीं जिहड़ा तुसी बोलदे हो। दूसरी आयत पढ़ो, तीसरी। एक मिनट, गलत पढ़िया, फिर दोबारा पढ़ो। जरा शब्द है ना प्या, वो तुम कहना नहीं आया, जरा ता टीचर सी ना उन्होंने खुद नहीं पंजाबी आई। पढ़ो फिर। प्या उठता है, प्या उठता है, इतना ट्यून। ये बड़े अजकल मास्टर जी ने ना उन्होंने ना तो उचारण नहीं आता सही, तो ना ट्यून किन्नी बिच कहनी है, स्लो कित्थे कहना, भर के कित्थे कहना, लफज ही दस देने भी सवाल होन दिया दा कि जवाब होन दिया दा। पढ़ो अजय, गलत पढ़िया, सही पढ़ो। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया और उसके जलने का धुआं अतुल आबाद उठता रहेगा। अजय भी गलत है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया और उसके जलने का धुआं अतुल आबाद उठता रहेगा। अजय भी गलत है। पूछो क्यों, तुम बार बार क्यों गलत पढ़ रहे हो? पूछो, असी सीखण विच शर्म महसूस करने, गलत बोलण विच सारे सुनने वाले कहिंदे ने बेवकूफ पढ़न दिया। अकलमंद ते उनू मिलेगी ना जिहड़ा कहूगा मेरे विच है नहीं, ते जिहड़ा कहेगा मेरे विच अग्गे ही हैगी है, तो उनू कित्थों अकल मिलनी है। अब्दुल्ला आबाद, अब्दुल्ला आबाद, ये जिहड़े जिन्हें भी हिंदी उर्दू रला के पढ़ते ने वो किताब विच एक भी नहीं सही पढ़ सकता। तुहाडे कोल कीड़ी इंग्लिश हुण तुसी पढ़ो। अच्छा, तुहाडी पढ़ाई किन्नी चिर दी है? जगा दे यार, सौ भी गया। इतना कहता पंद्रहवीं कोई संघ वाली गल है? सही पंद्रह मार देना। हुण तुहाडे कोल इंग्लिश पढ़ी नहीं जानी, जिन्हां तुहाने पढ़ाई है ना उन्हूं खुद भी उचारण नहीं सी आउंदा इंग्लिश दा, क्योंकि अठ किस्म की इंग्लिश है, तैनूं की पता कि बाइबल की कि इंग्लिश है। पढ़ो। हाँ ए, फिर पढ़ो। एंड अगेन दे सेड हालेलुया। आ देखो, दे सेड, दे सेड, डी जो आखिरी लास्ट आवे ना उदी पूरी आवाज कड़ी दी है, जिस तरह लॉ कहिंदे ने छेती छेती। असली लफज है खुदावंद लॉर्ड, ड ड दी भी आवाज आनी चाहिए है। तेरे शब्दों की सही आवाज़ नहीं, तू ती बारी पढ़ ला, जोर ला ला के, फिर भी मैं दो क्लासा पढ़िया तो मैं दसागा भी ये गलत है। फिर पढ़ो। And again they said, Hallelujah, and... अरे देख जिते लफज है ना एंड, एंड अगेन दे नाल नहीं एंड लाउणा। आ पढ़ो। इधर देख, एंड अगेन दे सैड, उन्होंने
said, akhya, te di di vaaz bhi aave, te de, vai di vaaz, te nahi vai keh sakde, oda matlab hai, e, de, chalo padho agge. एक बार फिर है ले लिया तो अगे पढ़ो. एंड हर स्मोक रोज अप फॉर एवर एंड एवर. रोज अप द मीनिंग उठदा. ठीक है, हूँ सुनो. ये बाइबल नू पढ़न लग्या भी साफ पढ़ो, ते बोलन लग्या भी साफ पढ़ो. हर एक लफ्ज़ दे कई मीनिंग बन जाते हैं. तो यह है कि उन्होंने फिर ये शब्द बोलिया केड़ा, हले लुइया है, हले लुइया भी हों, हले लुइया भी हों, हले लुइया भी हों. यदा भी किसी दिन सीखना भी सही लफज आवाज़ उदी की है. जिन्हों को मोबाइल आ वह सीख सकते ने लफज़ है ले लिया कढ़ो, तो नाल लफज़ भी दसणगे, उहदी आवाज़ भी दसणगे, उहदा तरीका भी दसणगे. चलो पढ़ो. आप जी ने क्या उर्दू. चाहे चाहे सीख लो. इतना नहीं कहना अब्दुल वखरा ते आबाद वखरा. अब्दुलाबाद अब्दुलो नहीं नहीं चर्चे है. अब्दुलाबाद ओ फिर विच पाता. हाँ चल कही जाओ छोड़ो पर. तुसी निरा पंजाबी जी पढ़ो. ये सिर्फ तुहानू दसना सी, ते इको जाना पढ़ो, ते फिर असी जल्दी समझांगे. पढ़ो. तिना तो बाद चार ही आंदे ने. जो अही पढ़ते होंगे साधु तो तिना तो बाद चार ही आंदे ने. ते तुहानू शक है भी पता नहीं चार आंदे ने कि सीधे छे. हुण तख्त है ना, जिहड़ा तख्त उत्ते. हुण मैं तुहानू पुछांगा तख्त उत्ते यसू सी कि जां बाप सी. गलत है, जवाब ही गलत है. बस इहो ही गल है. बाइबल नू सिखना नहीं, चुकना दे खरीदना काफ़ी नहीं. अजे तो सिर्फ सुननी है, फिर तरीका भी सीखना है, उहदा साउंड भी सीखना. तां आवाज़ किधरों कढ़नी है, तो थलों किधर नूं आउणी है, सैड की होनी है, तो उधर की होनी है. जिहड़ा लफ्ज़ कहना उहदे विच फेस दा पहला बनाउणा हॉल, जिहड़ा जिहड़ा रागी नहीं हुंदे है ना, तो उन्होंने कहना स स सा स सा स सा है. तो लफ्ज़ इक्को ही है ना, तो स कदों कहना, तो सा कदों कहना, तो अदकल हैगा जी उतरा ही हिक तुक्के ना चलता. बोलो तीर घट ने चल आते, बहुते लोग तुक्के भी चलाते ने, निरे तुक्के. पढ़ो जल्दी जल्दी. नहीं चौथी आयत पढ़ो. अच्छा चौवी चार गा के दस. चार
धारो नहीं चार दान दारो ताजे उतारे सजदे में कहा निजात जिला का एम कर दो ना कर देखो ये जड़ी खुदा दी तारीफ है ना जरा हर हरमंदर साहब उत्थे 24 घंटे ते मतलब 23 घंटे राग चलता रहिंदा ठीक है ते एक भी रागी उत्थे बसूरा नहीं गा सकता ते साइयां विच 1000 गाउण वाला शायद एक जना सुर च गाउंदा होवे बोलो क्यों थॉमस नूं मैं कहा कि यार तू बड़े चिर दा जाना अंग्रेजी स्कूले जाना मैनू सुना 1, 2, 3, 4 अंग्रेजी विच कहिंदा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ते मैं कहा होर अगे होर सुना 11 अगे की है कह के दसो की नहीं असली लफज बोलो ना असली तुम टीचर हो बोल के दसो खलो के बारह ट्वेल्व नहीं 12 या 12 है 12 दी तो नहीं ना लगती पिछे तो दी आवाज कढ़ोगे कढ़ो 12 अभी साइलेंट सुनिया नहीं जेड़ी लास्ट या कड़ा लफज हाँ वी ते वी साइलेंट ही है ना चल बह जो मेरी कहन दे भाव नू समझो मैं ते दो ही पढ़िया सही पर कम से कम तानू हर लफज दी पहचान होनी चार इत गीत या लिखिया दा चार जानदारों और 24 बुजुर्गों ने ताज उतारे सजदे में कहा की क्या निजात ओ जलाल का ए उन्होंने क्या चार जानदारा ने यह सानू पता होना चाहिए ये 24 है कौन ये बोलो पुराने नेम दे संत लोग 24 गद्दियां उत्ते बैणगे सारियां गद्दियां ते तख्त 24 नहीं होणगे ओ 24 नंबर होएगा जिन्हें 24 नंबर विच होणगे ओ उन्हां तख्तां उत्ते बैणगे ते जदों तख्तां उत्ते बैणगे ते अपने ताज उतार देणगे कि असी उस ओदे सामने असी आई एम नथिंग ओदे मुकाबले ओदे सामने असी कुछ भी नहीं इसलिए 24 गद्दियां गिनती विच 24 नहीं है 24 नंबर है पढ़ो अगे ना भरा अज मैं भी नहीं सुनना गलत शब्द अगे तो विराजमान क्या ही ना हाँ हूँ विराजमान नहीं आमीन बोलो 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 जिन्हों जिन्हों याद है तो हाथ खड़ा करके दसो पी ए आमीन एक बारी वाला वा कि आमीन आमीन आए
कहो आमीन आमीन। ये तो पता करो पहली बार ही वाला वा कि दूसरी बार ही वाला। ये है ज्ञान की गल सीखनी। तो ये है जिहड़ी असीं ऐत पढ़ रहे हैं, पंजवीं ऐत पढ़ी है ना, चौथी पंजवीं ऐत पढ़ो। एक मिनट, पंजवीं ते छेवीं इहदे विच की असीं सुनिया, जल्दी पढ़ो। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਨਿਕਲੀ ਆਦਿ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੀ? अच्छा, सारिआं नूं नहीं कहा, जिहड़े मुकद्दस ने लोग ओ तुसी तुहाडे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो स्कूल विच जा के सब तो पहला अरदास करदे ने। स्कूल कोई भी होवे, भावें हिंदी च करन, भावें पंजाबी च करन, भावें किसी भी भाषा विच करदे आ ना, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੋ ਵੀ ਮੰਮੀ ਲੱਗਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਗੇ। अच्छा, सुनते हो ना, ये सारिया आवाज़ा कलीसिया दे विच्चों निकल रही ने। तो जदों आवाज़ निकलती है तो इस तरह की आवाज़ निकलती है जिवें बदल की गड़क हुंदी है, एवें नहीं यरू की दीवार डिगदी। आवाज़ विच इन्नी ताकत होनी चाहिए, ठीक समझ गए हो? बदल दियां गरजां वर्गी ते लिशकां वर्गी, जदों बहुत लोग आपस में लड़ाई करते हैं ना, दूसरे नूं कहिंदे खबरदार हो चमकना बहुता, पढ़ो अगे सतवीं आयत। ए कुड़िए तू पढ़ेंगी पंजाबी च, पढ़ो सतवीं आयत। अच्छा हाँ हाँ, पूरी सात आयत करो। अच्छा, ब्याह के दा ले ले दा, ते लाड़ी ਉਹ ਲੈ ਲੈ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਲਾੜੀ ਆ ਦੁਲਹਨ ਆ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ 12 ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਲਿਬਾਸ सिलाई करने वाले 12 हैं। किन्ने सिलाई करने वाले? किन्ने ने? तो हर एक ने अपना ही अपनी कारागरी
वो दुल्हन दे वास्ते तैयार करके रखी रखी नहीं पहना रहे ने ते हुण लिखिया दा उहदा उहदी शादी आ गई आ क्योंकि शादी आ गई है क्योंकि उस दी दुल्हन ने पंजाबी च उहदी लाड़ी ने अपने आप नूं तैयार कर लिया है। इत्थे थोड़ा जिहा अटकना पैना है समझण वास्ते की समझण वास्ते है साढ़े विच्चों कौन कौन जानदा है कि मेरा लिबास कित्थों तक तैयार हो गया ते कित्थों तक तैयार अजे होना है। असी दर्जी नूं पुछिया दर्जी जी हफ्ता हो गया कपड़े दित्तिआं नूं हुण दसो किन्ने क रह गए किन्ने क सिल गए ने तो कहिंदा बाकी सारे हो गया काम है जी चाक कढ़न वाले ते बटन लगन वाले जे हैगे ने। फिर असी कहांगे किन्ना क चिर रहेगा कल सवेरे बरात आ कहिंदा बस तुसीं दो क घंटिआं दे बाद आण के लै जाओ सारा कुछ हो गया पर अजे प्रैस बाकी है। मारो मारो सिर इतरे इतर आओ तां ही सर्वाइकल नहीं ना होना। सुनो ये तुहानू खबर होनी चाहिए है कि दर्जी भाजी मेरा कपड़ा कितों तक सिल गया है। सच सच दस्यो कदी तुसी संतां नू अज तक सवाल किया जे की तुहानू पता नहीं भी दुल्हन ने अपने आप नू तैयार कर लिया ते जे तुसी भी दुल्हन दे विच हो ते जे तुसी तैयार करके बैठे हो ते लाड़ा भी आ रहा वा ते तू तैयार हो गई हाँ या नहीं बोलो। तेरे पैरी जोड़ा तखुस दे खलदा आ कि किसे होर खलदा आ। तां करके बोलो बारह चीज़ां दा लिबास होना आ पूरे कपड़े पहन लो ते पैर नंगे ही होण। कई बार मैं जाना ना तेरे मेरा पैर खराब है तो कहने जुत्ती लियो पाठ जुत्ती लियो। मैं कहा लभ लियो लभ लियो लभ लियो तो कहने है ही नहीं। मैं कहा लका ली होनी है किसे ने सच दसो ते हाथ खड़ा करके दस्यो। मैं फलाने दिन जरूर पूछिया सी भी पास्टर जी ये तो असी बड़ी बारी सुनिया वा भी ब्याह आ गया वा ते तुहानू कपड़े सीने दिते ने ते पास्टर जी साडा कपड़ा खो गए तैयार है। हुण बोलो बोलो असी उंजियां बोलो उंज ना बनो इंज बनो। उंज हुंदा अपनी मर्जी इंज हुंदा उहदी मर्जी। तुसीं अज तक पुछिया ही नहीं जेम्स भाजी नहीं ना पुछिया क्यों नहीं पुछिया। क्यों नहीं पूछया कोई कारण तो होऊ भाई आखो सानू पता ही अज लगा है अज ही सुनिया ना ते फिर अज ही सुनिया ते फिर अज ही सुनिया ते हुण आप ही दसो भी रौला जरूरी है कि सुनना समझना जरूरी है। बोलो साड़ी बेटी ने मीटिंग कराई सी ऐतवार शाम ते मैंने किन्या ने किया आके आज भी दो जने ने किया भी असी वो मीटिंग सुनी भावना दी जिहड़ी शुक्रगुजारी कराई ते अही तो सुनिया ही पहली वारी है ते जदों सुनिया ना उदों दी साड़ी चिंता ही मुक गई है।
तो फिर कोई फायदा तो होया ना कोई तो भार लथे उन्होंने भी देने उन्हें भी देने कोई ना कोई तो सिरों लथे तो भार उन्ने का उन्ना रहा तो फायदा कुछ नहीं। हुण दसो तुहानू किन्ना सीखना जरूरी है। ये भी बदोबदी तुहानू सिखाया जा रहा है, सवेरे बदोबदी सिखाया जा रहा है, शामी भी तुहानू हुण बदोबदी सिखाया जा रहा है। बड़े मैं हिसाब किताब लाया भी अद्धा कु घंटा सौला तो जदों नींद लगी आउण तो कहिंदे दुआ करवाउण वाले बैठे ने। मैं कहा चलो फिर ठीक है। अजे एक सेवक ने आना तो वह कहना मैं बड़े चिर की खिदमत करदा, जिथे मैं जाना खिदमत कर उत्थे बाद विच फेल ही निकलना, तो उन्हूं अज नवी ट्रेनिंग देनी है। मेरे कहन का भाव है यह गल सौखी नहीं, इहनूं सिखो सिखो तरीका भी सिखो। बोलो जानिया ते जहानिया, जान ते सीगी रब दी ते जहान क्यों कहिंदे ने, जिहदे विच जान आऊगी वह जहान विच होऊगा। जदों जान निकल गई तैनू पहला छड़ना वा जहान ने, किन्ना ने छड़ दिता, दूसरा रह गए रिश्तेदार। बोलो हुण रिश्ता किहदे नाल आ तुहाडा, जान नाल आ कि जहान नाल आ? ना ना क्योंकि तेरा ध्यान सीखने विच घट है। जिदन सीखने च ध्यान होया बोलो जहान ते गया, जानिया ते जहान, तो हुण जान भी गई तो जहान भी। ये पलूस ने कहा जदों मैं ही मर गया तो मेरे लिए सारी दुनिया ही मर गई। नहीं समझ आया ना, देख लो नहीं आया। हुण मैं पूछना जेडे बाकी रह गए ने जहान ते गया चले, ते बाकी रह गए ने सके, सकी मां सका बाप सकी भैन सका भरा सका पापा सका चाचा सका ताया, सारे सके ही ने। बोलो हुण किन्ना दी वारी है सांभण दी, उन्हां दी। ते ओह वेल तीन तीन चार चार महीने घरे रखदे ने, किते प्यार आ किते उहदे डोब पैण दे दे। अज जो जाते ने जनाजे वाले तो नाल पानी नहीं चुकया हों, कि पास्टर वास्ते चुकया हों ना, कि चुकया हों दसो? एक भी डोब सही नहीं किसी नूं पैंदा। बोलो जाने ते जहाने आ जिसम आ ते रिश्ते ने। ए तेन गलती लग गई है, तेन भुलेखा लग गया था। रिश्ते तेरे शरीर नाल ने, जिसम नाल ने, तेरे नाल नहीं। जदों रिश्तेदारां दे काम दा ना रवे, किन्ना दा, उन्होंने लवार सिखाने छड़ आना। जे नहीं तो गुरदासपुर हैगा जे लवार सिखाना, आ बबरी भी हैगा जे लवार सिखाना, तो लस्या हों पुछते ने लवार सिखाने के इंचार्ज, ये कौन आ जी ये लवारस आ, ये कौन जमा करवाउण आए ने, ये जी वारस, ये कौन आ ये जी लवारस, ये जमा करवाउण कौन आए ने? या बोलो भी पहला छेच, बोलो जमा कराउण कौन आए ने? वारस दे की हुण लिखाउण लगे ने?
छड़ो ना ठगियां खाओ तानु बार दिया ने नी डोबिया है इतना कहो 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 बार दिया नी डोबिया बार दिया ने तो ही तांगी नहीं कीता डोबन गए थे हो जेड़े वारस कह दो हां लवारस किन्ना ने लिखाउणा वारसा ने ए बदखल कर दिता मुंडा किन करना अब बदखल किन करना एक भाई अज फोन आया कहने ने बदखल होन लगा कहने ने उदे लड़के कहने ने तेरी की जरूरत है लवारस होन दी हो के दे दस खंघ तो आनी है थोड़ी बहुती जो आयात ने पढ़नी है तो खंघ तो आनी है हुण मेरी गल समझन की कोशिश कर बोलो जहान उन्ना चेरिया शरीर उन्ना चेरिया जिन्ना चेरे रिश्ते ने ते जो शरीर ही नहीं रहा ते रिश्तेदार ने वे लो तीन चार दिन जनाजा ही हुंदा रहिंदा उदन भी कहिंदे ने न्याणे भुखे मरन डए ने इहनूं छेती कढो आ रोण वाले ते विचारे डिगी पैण लगे ने इहनूं छेती कढो ते जिन्हां दे घरां दे विच साडी दुनिया दे विच गुजर जांदे ने घरों छेती कढ दे ने कि ठहर ठहर के कढ दे ने हेलो की कादी छेती आ ठीक है भाई चलो हुण ये जिहड़े रिश्ते ने बोलो जिसम नाल ने जिसम दे विच उहनां दी चीज़ है नहीं जिहड़ी चाहीदी है फिर तो लवार सिखाने ते जिन्ना चिर उन्हें को तुहाडे कोल हैगा माल उन्ना चिर वह वारस ने एक मर गया ते एक आदमी अगे खलो गया जनाजे दे कहिंदा भी जनाजा रोको वह कहिंदे क्यों कहिंदा मैं इहदे कोलों 5 लाख रुपया लैणा तुसीं दबाउणा आ ते मैं किहदे कोलों लैणा ते अहीं ते मैं ते जनाजा होण नहीं देणा मेरा 5 लाख रुपया दो नहीं तो मैं नहीं दबण देना बड़े हैरान वारस ते लड़की आई लड़की लकड़ा नहीं लकड़ा नहीं लकड़ा नहीं लड़की वो कहती है भी जनाजा वो लैन दो वो जो कुछ सी उन्हें सारा देता कहिंदे आ लै लो बाकी भी दे दांगी ते तुसी जनाजा होण दिओ उन्हें फिर खलो के कहा कहिंदा सारे सुन लो मैं 5 लाख देना सी इहदा लैणा नहीं देना सी ते मैं वेख्या भी लायक कौन आ लैण दे ते ए बेटी लैण दे लायक आ ते मैं 5 लाख इन्नू दे दिता है बोलो घर विच सुख ना बाबा जी ने बोलो तो सगा तुहाडा केड़ा केड़ा है मैनू नहीं पता एक आंदा वो सकियां दे सक लाउणे ने ते मैं कहा चलो सकियां दे सक ते नहीं लाउणे ते सकियां दा कोई ना कोई फायदा ते हो कहिंदा सिद्धा सिद्धा पंजाबी च इहो ही आ फायदा सक नहीं लाउणे छड्डणा ही कख नहीं हुण बोलो दुनिया दा रिश्ता जान नाल जिसम दा रिश्ता जिसम नाल उन्हूं सका ना क्या करो जे तेरा ये नहीं रहा
ते जा फिर तेरी वो भी नहीं हो रहने। हाथ खड़े करके अपने अपने वास्ते दुआ कर लो। ते सवाल या नंबर एक, जे तू यरूशलम विच आ ते तेरा बैंक खाता बाबल विच ते नहीं? जे बाबल विच होया ते तू दसवां हिस्सा नहीं दे सकती, ते तू दसवां हिस्सा नहीं दे सकता क्योंकि तेरे पैसे उत्थे ने, अनेक बुढ़े मर गए सी, अनेक लड़कियां मर गई कि शादी कादे नाल होनी है, अनेक बच्चे मर गए बीमार। रक्षे वाले ने कहा भी छेती लैके चल, मुंडा सीरियस है। तो कहिंदा बीबी मैं कितना तेनू लैके जा सकना, पैसे कढ वीरा बैंक बंद आ, मैं तो पैसा नहीं कढ़ा सकती। तो कहिंदी पुराने नोट है गए लैने तो ले ला, कहिंदे ते कौड़ी दे भी नहीं। तो राह विच जांदी नू चिर लग गया, बच्चा राह च मर गया। राज है ना, मरे ने कि नहीं? अखबारां तुसीं पढ़ियां सी भी शादियां टुट गईयां सी कि नहीं? तो किसी ने भी नहीं कहा भी ये कानून नहीं ठीक, बंद कर दो। हजार का बंद किया, 2000 का बनाया, देख लो अजे तक 2000 का नकली नोट बनया ही नहीं है। क्यों चलता वा ना 2000 का? क्यों नहीं चलता? इन्होंने ये भी नहीं पता भी बंद कहड़ा करना तो खोलना कहड़ा है। पेट्रोल पंप बंद कर दो, पेट्रोल सस्ता आ जू जी। किदन इतवार नू नहीं पेट्रोल पंप खोलने चाहिए, वो तो यह सी भी इतवार नू भगती करने वाले ना जान। बंद किदन करो बोलो, असली सी दबाव बंदगी ते जिहड़े जांदे ने ना इतवार नू ओ ना तेल पवाउण। किदन सारा जोर ला लिया सरकार ने, वड्डे वड्डे खंबे खड़े कर करके। तो 15 तरीक कल 14 नू पहुँच गए सी जम किसान, कहिंदे यार साडा ही देश अहीं भला पहुँच नहीं सकते, किहड़ा देश दा कोना जिहड़ा दा अहीं मालक नहीं। इस अते जीजो ज्ञान प्राप्त करोगे, तुसीं सवाल करना पहला तुसीं दसवंध क्यों नहीं दे सकते? बोलो मैं दसवंध क्यों नहीं दे सकदा? क्योंकि मेरे पैसे बाबल विच ने, हैगे ने मेरे उतरा, पर कढ़ा के वरत नहीं सकता। तेरा हजार का नोट मिट्टी हो गया, थोड़े दिन तक चलता रहा, कभी 500 का, कभी 300 का, कभी 200 का, कभी 100 का, तो कभी फिर काहे का भी नहीं। तो वह हौली हौली क्यों इतना होया? पैसे सारे खिंच ले अमीर ने, उन्होंने बैंक में जमा करा के तो नवे बनवा ले, तो ताड़े को नवे बनाने जोगे है नहीं सी माल, तो ताड़े पुराने भी खत्म। नहीं समझ आउण दे दी, नहीं आउण दे दी, नहीं आउण दे दी ना। दसो हुण ताड़े पैसे बाबल विच ने, ताड़ा बैंक खाता बाबल विच आ गया यरूशलम च? बाबा हिम्मत रख दियो ते बोलो। छड़ो दूसरा नंबर, की तुसी तैयार हो रहे हो? हाँ जी। ते की जिहड़े तुसी लिबास पहनना आ, ये 12 लिबासां विच्चों कित्थों तक तुहाडा तैयार हो गया है? आखो लाड़ी नूं लिबास की जरूरत ही नहीं। तां कुछ भी नहीं कहना क्योंकि तुसी कन्फ्यूज हो जाना।
तो हम गोड्या दे खड़े हो जाओ तो दो गल्लां सीख लो अज दे सबक च। तेरा पैसा कित्थे जमा हो चुका ते तेरा लिबास कित्थों तक तैयार हो चुका। हाथ उठाओ अपनी अपनी पहचान वास्ते अपने आप नूं जानन वास्ते अपने आप नूं समझन वास्ते अपने आप नूं मनन वास्ते जानन वास्ते पहचानो। तेरे पैसे कमाए हुए मेहनत मशक्कत दे खून पसीने दी कमाई शैतान दे घर विच जमा ओ तेनू चंगी जगह इस्तेमाल नहीं करन देवेगा तेनू मुबारक नहीं बन देवेगा। अपने आप दी जांच करो अपने आप नू परखो अपने आप नू समझ लो। जिन्हें अपने आप नू समझिया नहीं अज तक खुदा उदी समझ विच नहीं आया। जिहड़े चाहुंदे हो ते अपने हाथ उठा के पुरानियां गलतियां दी माफ़ी मंग लो ते अज तो पैसे यरूशलम दे बैंक विच जमा कराने शुरू कर दो। अज तो यही है भी सज्जा दान करे खब्बे नूं पता ना लगे। दसवंध देन विच पुत्र दी मर्जी भरा दी मर्जी बीवी दी मर्जी नहीं उदों फिर तेरे खुदा दी मर्जी होवे। लबास उदी तैयारी पुछो सेवक नूं संत नूं जिहड़े साडा लिबास तैयार कर रहे ने कित्थों तक हो चुका किन्ना बाकी रह गया। प्यारे खुदा तेरे बेटे बेटियां ने तेरे वचन सुनिया जदों हिसाब होना एक एक ईमानदार दा ते कल्ले कल्ले दा हिसाब होना है। इन्हां नूं तौफीक दे हुक्म मनन दे विच इकल्ले ने कदी भी सलाह नाल ना करन। सलाह तेरी काफी है। खुदावन यीशु मसीह दे वसीले खुदा बाप दी मुहब्बत खुदावन दा फजल रूल कुदस दी रफाकत सबना दे नाल हमेशा हमेशा तक हुंदी रहे। आमीन, आमीन।